हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है स्टाफ साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की पोस्ट से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनआईआई में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और ये जो ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है स्टाफ साइंटिस्ट की जो पोजीशन है उसे निकाला गया है। तो देखिए स्टाफ साइंटिस्ट की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो जो आपका नेम होगा पोस्ट का वो रहेगा स्टाफ साइंटिस्ट, तो इन्हें टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, स्टाफ साइंटिस्ट 3, स्टाफ साइंटिस्ट 4। और जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, टू वैकेंसी है स्टाफ साइंटिस्ट 3 के लिए और 5 वैकेंसी स्टाफ साइंटिस्ट 4 के लिए। पे लेवल भी यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर जो पे लेवल मिलेगा वो 11 मिलेगा स्टाफ साइंटिस्ट 3 के लिए, और स्टाफ साइंटिस्ट 4 के लिए 12 मिलेगा। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो आपको फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, या फर्स्ट क्लास एमटेक या एमटी एमडी एमबीएससी होना चाहिए विद 4 ईयर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए विद 4 ईयर्स पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पे 40 ईयर्स होने होगा, और जो रिमार्क्स है यानी कि जो पोस्ट है वो आई थिंक ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, और फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डीप एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी स्टाफ साइंटिस्ट 3 के लिए। वहीं अगर बात करें स्टाफ साइंटिस्ट 4 के लिए, तो यहाँ पे देखिए 5 वैकेंसी है टोटल, और यहाँ पे जो पे लेवल मिलेगा वो 12 मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एमएससी होना चाहिए विद 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और फर्स्ट क्लास एमटेक विद 8 ईयर्स आरएनडी एक्सपीरियंस, या पीएचडी होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग डिग्री में आपका, और साथ ही साथ जो है विद ओरिजिनल वर्क एज एविडेंस बाय पेटेंट पब्लिकेशन एविडेंट ऑफ लीडरशिप विद अबाउट 8 ईयर्स ऑफ आरएनडी एक्सपीरियंस। तो ये सब होना चाहिए अगर आप स्टाफ साइंटिस्ट 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं बात की अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पे 50 ईयर्स है, और जो रिमार्क्स है वहाँ पे अगर देखें तो ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है। ठीक है, तो देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट हम टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे करना होगा एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी उन्होंने मेंशन कर रखी है वो है ₹500, और ये जो फी आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट, डिटेल्स ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, एमएससी कोड सारा यहाँ पे जो है वो मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को फिलअप करना है, उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, पेमेंट प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फी, प्रपोज रिसर्च प्लान, यहाँ पे देखिए प्रपोज रिसर्च प्लान मस्ट है, आपको भेजना ही भेजना है, और ये सब आपको सेंड करना है बाई मेल टू फैकल्टी रिक्रूटमेंट @niiit.ac.in, और हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे भेजनी है। तो यह जो हार्ड कॉपी है आपको भेजना है एड्रेस में टू डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, बिलोंग करें किसी रिजर्वेशन में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भेजा है, तब भी आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट रहेगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें नो टीएडीए कोई कुछ भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं, और जो लास्ट डेट है वो रिसिप्ट की वो 30 डेज रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। अब देख लेते हैं हम दूसरा जो पोजीशन है वो है जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट का और प्रोजेक्ट एसोसिएट का। तो ये जो पोजीशन ये निकला है थेस्टी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ओके, तो थेस्टी में निकला है जो कि ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रेजेंट है फरीदाबाद में, यानी फरीदाबाद में सिचुएटेड है। तो अगर हम बात करें जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे देखिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीएचडी इन लाइफ साइंस विद डॉक्टर रिसर्च एक्सपीरियंस बायोलॉजी इम्यूनोलॉजी इन्फेक्टेड डिजीजेस विद एटलीस्ट 1 फर्स्ट ऑथर रिसर्च आर्टिकल इन अ पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल। साथ ही साथ अगर आपका जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पे आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है एनिमल मॉडल्स ऑफ इन्फेक्शन में आपने काम किया होना चाहिए, हैंडलिंग आरएनए वायरसेस एनिमल सेल कल्चर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको जरूर ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात करें मंथली एमोलूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 75,000 पर मंथ। ठीक है, और जो लास्ट डेट है यहाँ पे रिसेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 8 अक्टूबर 2020, द एप्लीकेशन विल बी रिक्रूटनाइज एंड शॉर्ट लिस्टेड एंड प्रोसेस विल फॉर फर्दर सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा, उसके बाद जो है अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको जो है बता दिया जाएगा बाई ईमेल के थ्रू।
अब हम बात करें दूसरी पोस्ट की, तो दूसरी पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, और जो पोस्ट है वो 1 है, और जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है। यहाँ पे आपको एमएससी या एमटेक होना चाहिए लाइफ साइंस में, और एमबीएससी होना चाहिए 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस इन सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। अब अगर हम बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की या एक्सपीरियंस की, तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपने एनिमल एनिमल मॉडल्स को हैंडल किया है या आने वायरस को हैंडल किया है या आपको एनिमल सेल कल्चर का काम पता है, तो आपको यहाँ पे जरूर ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें एमोलूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 35,000 प्लस एचआरए। तो इसका भी जो लास्ट डेट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर 2020, ठीक है। और इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको भाई ईमेल के थ्रू बताया जाएगा आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।